दोस्तों भारतीय फिल्म जगत में बेशुमार अभिनेताओं के नाम हैं, पर 70 और 80 के दशक की अगर हम बात करें तो दो खूबसूरत भाइयों का नाम सामने आता है। दो खूबसूरत भाइयों की बात सुनकर ही आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज की हमारी कहानी मशहूर अभिनेता संजय खान के जीवन पर आधारित। सभी को ऐसा लगता है कि फिरोज खान ने संजय खान से पहले अभिनय क्षेत्र में कदम रखा था, पर ऐसा नहीं है। दरअसल संजय खान उम्र के लिहाजा फिरोज खान से छोटे थे, पर संजय ने ही सबसे पहले इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान का जन्म अफगानी पश्तून पठान परिवार में बेंगलोर में हुआ था। वो तारीख थी 3 जनवरी 1941। उनके पिताजी का नाम सादिक अली खान था और माताजी का नाम बीबी फातिमा बेगम था। उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से ताल्लुक रखता था। क्योंकि उनकी माँ ईरानी थी, इसीलिए संजय खान को ईरानी पश्तून पठान भी कहते हैं। वैसे संजय खान के 5 भाई और 2 बहनें भी है, जिनमें फिरोज खान और अकबर खान ने भी फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर के खानदान से उनके नजदीकी रिश्ते थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि संजय खान भी फिल्म जगत से जुड़ गए। पर दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। जब संजय 11 साल के थे तब उन्होंने राज कपूर साहब की फिल्म आवारा देखी। इसे देखकर वो चकरा गए थे। एक पल में ही वो फिल्मों के दीवाने हो उठे। दरअसल उनका परिवार उस जमाने में काफी अमीर हुआ करता था और उनके पिताजी ने सारे बच्चों को फिल्में न देखने की नसीहत दी थी। उनका ये मानना था कि फिल्मों के कारण बच्चे बिगड़ते हैं, पर सारे बच्चों में से सिर्फ संजय खान का मन फिल्मों के लिए मचलता था। एक दिन छुपकर अपने नौकर के साथ वो राज कपूर की फिल्म आवारा देखने गए। जैसे ही फिल्म शुरू हुई वैसे ही संजय खान कहने लगे, अरे ये जो पर्दे पर लोग दिख रहे हैं वो इतने बड़े क्यों हैं? क्या सच में पर्दे के पीछे राज कपूर है? छोटे संजय की बात सुनकर नौकर हंसने लगा। तुरंत ही वो व्यक्ति संजय को थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में लेकर गए और वहां उन्हें दिखाया कि एक फिल्म कैसे पर्दे पर चलती है। इसे देखकर संजय खान चौंक गए। अगले पल में उन्होंने ये सोचा कि बस उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक्टर बनना है। एक्टर बनने की बात उनके दिमाग में जैसे बैठ गई थी। और जब वो 15 साल के हुए तब उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और मुंबई की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी भी हालत में उन्हें राज कपूर साहब से मिलना है। यहाँ आकर दिन बीतने लगे, पर फिर भी राज कपूर से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लिहाजा घरेलू रिश्ते होने के कारण वो शशि कपूर से मिले और उनसे गुजारिश करने लगे। फिर एक दिन वो घड़ी आ ही गई। वो दिन था होली का। आप जानते ही हैं कि आरके स्टूडियो में होली और श्री गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन हुआ यूं कि सब भांग पी रहे थे, किसी ने संजय खान को भी भांग पिला, इसी कारण उन्होंने भांग का नशा चढ़ गया और आरके स्टूडियो में सबको ये पूछने लगे कि उनकी स्पोर्ट्स कार कहाँ। सभी लोग वहाँ हैरान थे और सोचने लगे थे कि ये भाई साहब कौन है, कार की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ समय के बाद संजय खान का नशा उतरा और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उनका मन बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगे जिस इंसान को वे अपना गुरु मानते हैं उनके ही सामने कैसा बर्ताव उन्होंने किया। इसके बाद संजय खान भांग जैसी चीजों से हमेशा दूर ही रहे। कुछ दिन के बाद उनकी जान पहचान बढ़ी, पर फिर भी उन्हें कहीं एक्टर बनने का मौका नहीं मिला। इसी बीच फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शशागर मुखर्जी साहब ने फिरोज खान को कहीं देख लिया। उन्होंने तुरंत अपने लोगों से कहा कि ये लड़का जहाँ भी दिखे उसे मेरे पास लेकर आओ। किसी ने उन्हें ये बताया कि इनका छोटा भाई हमारे यहाँ ही है। तो इस तरह संजय खान को बताया गया कि उनके बड़े भाई को डायरेक्टर फिल्मों में लेना चाहते हैं। संजय खान बड़े खुश हुए। तुरंत ही उन्होंने अपने माताजी को ये बात कही। फिर सबने फिरोज खान से कहा कि अब तुम हीरो बनोगे। ये सुनकर फिरोज खान बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि कहां तुम लोग इंजीनियर बनने वाले इंसान को फिल्मों में घुसा रहे हो। दरअसल उस दौरान वो इंजीनियर बनने जर्मनी जा रहे थे। वो जर्मनी तो पहुंचे नहीं, पर जबरदस्ती उन्हें मुंबई लाया गया। यहां आकर वो संजय खान के साथ मुंबई के जुहू इलाके में रहने लगे। संजय के बड़े भाई का फिल्मी सफर तो शुरू हुआ, पर संजय अब भी परेशान थे। इसी दौरान हॉलीवुड के प्रोडक्शन के अंतर्गत बन रही फिल्म टार्जन गोस टू इंडिया में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका उन्हें मिला और यहीं से उनका फिल्मी सफर भी शुरू हुआ। इस फिल्म में उनके बड़े भाई का अभिनय था।
इंटरनेशनल डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद उनका नाम बनने लगा। एक दिन किसी इंसान से उनकी मुलाकात हुई। जुहू बीच पर वो इंसान अक्सर अपने कुत्ते को लेकर सैर पर निकलते थे। वहीं उनकी मुलाकात संजय खान से हुई। एक दिन वो इंसान संजय खान के घर भी आए और उनसे कहने लगे कि मेरी गाड़ी को धक्का दे दो। संजय खान चुपचाप उनकी गाड़ी को धक्का देने लगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो इंसान हर दिन संजय से अपनी गाड़ी को धक्का दिलवाते हुए। पर संजय खान दिल और दिमाग के बड़े शांत थे। इस बात पर वो ना ही गुस्सा करते और ना ही कोई सवाल पूछते। यहाँ तक कि संजय खान को पता भी नहीं था कि जिस इंसान की गाड़ी वो धक्का देते हैं वो मशहूर डायरेक्टर सत्येंद्र बोस है। वैसे हर दिन की तरह वो एक दिन संजय खान के घर आए। दरवाजा खुला और संजय बोले, चलो आपकी गाड़ी को मैं धक्का दे देता हूँ। ये सुनकर सत्येंद्र बोस बोले, अब हम तुम्हारा करियर को धक्का देंगे। वैसे उस दौर में सत्येंद्र बोस साहब राजश्री प्रोडक्शन के साथ फिल्म बना रहे थे दोस्ती। संजय खान को लगा कि सत्येंद्र बोस उन्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, पर सत्येंद्र बोस ने उन्हें बतौर अभिनेता साइन किया। इस फिल्म के रिलीज के बाद जो हुआ वो फिल्म जगत का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्ती फिल्म ने भारत में तहलका मचा दिया था और फिल्म के गानों के साथ संजय खान की खूबसूरती देख सभी लोग दीवाने हो गए। यहाँ आपको बता दूं कि वो सत्येंद्र बोस ही है जिन्होंने इस मुस्लिम एक्टर को संजय हिंदू नाम दिया। इस फिल्म के बाद संजय खान ने अगले 6 महीनों में 100 फिल्में साइन की, जो उस जमाने का एक रिकॉर्ड था। पर हुआ यूं कि उन्हें एहसास होने लगा कि जिन फिल्मों को वो साइन कर रहे हैं वो आगे चलकर फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि फिरोज खान ने कुछ बी ग्रेड फिल्में की थी जो आगे चलकर फ्लॉप रही। इसे देखते हुए उन्होंने 100 में से 50 फिल्में कैंसिल कर दी। फिर साल 1971 की मेला फिल्म के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अभिनेता प्राण को संजय खान के भाई के किरदार में लेना चाहते थे, पर संजय ने डायरेक्टर से कहा कि प्राण साहब उनके बड़े भाई नहीं बाप लगते हैं, इसीलिए फिरोज खान को ये किरदार मिलना चाहिए। वैसे भी वो मेरे बड़े भाई ही है। आगे चलकर संजय खान और फिरोज खान इन दोनों के सिक्के फिल्मी जगत में खूब चले। 10 लाख, 1 फूल 2 माली, धुंध, उपासना, नागिन, अब्दुल्ला, ये कुछ फिल्मों के नाम हैं जिनमें संजय खान का किरदार बड़ा हिट रहा। संजय खान की शादी साल 1966 में ही हो चुकी थी और उनकी पत्नी जरीन खान थी जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, फरा, सीमोन, सुजैन और जयात। सुजैन की शादी सुपरस्टार ऋतिक रोशन से हुई, तो वहीं जयात खान ने भी बेहतरीन फिल्मों में अपना अभिनय किया, पर उन्हें अपने पिता की जैसी इतनी सफलता नहीं मिली। जायद को छोड़कर किसी ने भी इनके परिवार से फिल्मों में काम करने की इच्छा नहीं जताई। दोस्तों, वैसे संजय खान ने जीनत अमान के साथ भी शादी की थी, लेकिन जीनत अमान के साथ उनकी कहानी भी बड़ी कंट्रोवर्सी में रही। संजय खान की कहानी हमने इस अंदाज में पेश की है जिसमें अभिनेत्री जीनत अमान के साथ उनके रिश्ते की बात नहीं बताई गई। हमने कोशिश की है कि अभिनेता को उनके फिल्मी ढंग से ही परिचित किया जाए। अगर हम जीनत अमान और संजय खान की शादी की बात करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उनकी और जीनत अमान की एक सेपरेट वीडियो लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ के साथ।